दोस्तों आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज भूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म के बारे में। कल मैंने अपना प्रेडिक्शन दिया था कि फिल्म थिएटर में आएगी तो क्या हाल या क्या कमाल करेगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप कोई जानकारी मिस ना कर सके और आप ओटीटी क्रेजीज को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यहाँ पे ओटीटी फिल्मों की हर बड़ी अपडेट मैं देता रहूंगा, तो अजय देवगन की फिल्म की हर बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा पहला सवाल यह है कि अजय देवगन की इस फिल्म का क्या बोलते हैं कभी रिलीज होगी आज के दिन, यानी कि सबको पता है 7:30 बजे के आसपास डिज्नी प्लस हॉटस्टार फिल्म को रिलीज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त इन्होंने एक अलग टाइम चेंज किया है और इनका टाइम के हिसाब से ये फिल्म शाम को 5:35 पे आएगी, यानी कि शाम को 5:35 PM पे ये फिल्म रिलीज होगी। यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप 7 बजे का इंतजार मत करिएगा, उससे पहले आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी 5:35 पर, यानी कि 5:30 बजे के आसपास। अब यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे ये फिल्म जो थिएटर में रिलीज हो सकती थी, इसे ओटीटी पर क्यों लाया अजय देवगन ने। ये सवाल जब अजय देवगन से पूछा गया हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में, तो अजय देवगन ने साफ साफ कहा कि थिएटर्स महाराष्ट्र में पहली बार तो खुले नहीं है और ये एक बड़ी फिल्म है, ऐसे में हम इस फिल्म को सफर करने देना नहीं चाहते महाराष्ट्र के विदाउट। उसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट है जहां पे अभी भी फिल्म पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई है या फिर नहीं हो रही, तो ऐसे बहुत सारे राज्य जहां पे फिल्म को 50% ऑक्युपेंसी के साथ रिलीज किया जाएगा या बहुत अनसर्टेनिटी है कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। इसलिए सबसे बेहतर यही ऑप्शन था इस फिल्म के लिए कि इस फिल्म को सीधा ओटीटी पर लेकर आया जाए। तो यहां पे पूछा गया, इंटरव्यूअर ने पूछा अजय देवगन से, क्या लगता है आपको क्या आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया है कि इस फिल्म से, तो अजय देवगन ने साफ साफ कहा कि ये फिल्म एक प्रॉफिटेबल मार्जिन तक जा चली जाएगी, इसका हमको कोई टेंशन नहीं है। प्रोड्यूसर इससे खुश होंगे, ओटीटी के रिस्पॉन्स से खुश होंगे, ये पक्की बात है। वहीं अगर इस फिल्म के बजट के बारे में पूछा गया अजय देवगन से, अजय देवगन ने कहा कि जिसे हम अगर 100 करोड़ किसी फिल्म में डालते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसका 4 गुना हम वसूलें, यानी 400 करोड़ तक की पिक्चर बनाए 100 करोड़ के बजट में, तो वो हमारा हमेशा इंटेंशन रहता है। और भुज को बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, कोरोना वायरस आने के बावजूद ये फिल्म रुकी नहीं, और जैसे ही वापस से अक्टूबर 2020 में जब वापस चीजें थोड़ी नॉर्मल होने लगी, फिर से इसकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई, यानी कि इस फिल्म को बहुत लंबे वक्त तक बनाया गया है। इस फिल्म को लेकर अजय देवगन साहब कहा कि इस फिल्म के लिए कोई कोताही बरती नहीं गई है, कोई चीजों को लेकर दखलंदाजी नहीं की गई कि यार इसमें इसको VFX बनाते इसको ये करते, पूरा शॉट जितने भी है वो रियल लोकेशन शॉट्स है, उसमें जो VFX एलिमेंट डाले गए वो बाद में डाले गए। और अजय देवगन ने कहा है कि मेरी ही NY VFX वाले, उनकी ही आपको पता है CGI कंपनी, उन्होंने ही इस VFX को बनाया, और VFX आपको हर एक ट्रेलर या टीजर या फिर कुछ प्रोमोशन रिलीज हुए उसमें VFX देखने को मिलेगा कि बहुत उम्दा है। मैं आपको बता दूं ये फिल्म थिएटर में आती तो ये बवाल कर देती, ये पक्की बात है। यहाँ पे फिल्म का बजट बताने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन मैं आपको साफ साफ बताता हूँ इस फिल्म का बजट कम से कम देखा जाए तो 70-80 करोड़ के बीच में होगा, उससे कम बिल्कुल नहीं है। और ये फिल्म ओटीटी पर धूम मचाने वाली, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर धूम मचाने वाली, तो अजय देवगन जितने फैंस है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये फिल्म थिएटर में नहीं आ रही है, ये फिल्म ओटीटी पर आएगी और दंगल मचाएगी। लेकिन वो मैं खुद भी जानता हूं और आप भी अजय देवगन फैंस सभी ये जानते होंगे, ये फिल्म 3D फिल्म है, थ्री डी फिल्म होना चाहिए था और थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, तब ज्यादा मजा आता, बट स्टिल ओटीटी पर भी आप इसे एंजॉय कर सकते फैमिली के साथ, ये पक्की बात है। और कुल मिलाकर जो भी अपडेट्स होगी उससे जुड़ी हुई मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि इस फिल्म का बजट 80 करोड़ के आसपास है, उसे कम नहीं है। और इस फिल्म को प्रॉफिट होगा कि नहीं ये अगर सवाल मन में है, तो प्रॉफिट इस फिल्म को 110% होगा, सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स से, ये अजय देवगन ने साफ कहा है। और थिएटर में रिलीज ना करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि बहुत सारे राज्यों में फिल्म अभी तक थिएटर खुले नहीं है, वो अनसर्टेनिटी की वजह से अजय देवगन ने फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं की है। तो जो अजय देवगन के फैंस अगर नाराज हो रहे हैं तो प्लीज नाराज मत होइए, मजबूरी को समझिए, अजय देवगन बहुत ही ज्यादा होपफुल है कि फिल्म धमाकेदार रहेगी और लोगों को पसंद आने वाली है। तो आप कितने खुश है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म देखने के लिए, और ये फिल्म को 5:30 बजे तक आ जाएगी 5:35 पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, तो इसे देखना ना भूलेगा। और जो भी होगा इस फिल्म का रिव्यू मैं फटाफट आपको देने की कोशिश करूंगा। लव यू ऑल, बाय बाय।